अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन, बिगनर्स के लिए है। आप इसको वेल में भी डाल सकते हैं, आप इसको एज अ डिज़ाइन भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का चाहिए। एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है ये वेल के अंदर होता है, यानी कि आपको ऊपर की जाली और नीचे की जाली पहले करनी है, जिस तरह से हम वेल में करते हैं। इसको पूरा करना है और उसके बीच में उसको भरना है। आप इसको अपने शॉल पे भी कर सकते हैं, आप इसको अपने फेरन में भी कर सकते हैं, आप इसको अपने फ्रॉक पे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अगर आप किसी ब्राइडल पे कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये टिक्स हैं जो हम वेल के अंदर डालते हैं और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड किया था कि हमको इस पे आप एक बार वीडियो ज़रूर बनाइए कि इसको कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगनर हैं और बिगनर्स को नहीं पता होता है कि इस चीज़ को कैसे करना है। तो ये जो टिक्स है ये हमें एक साथ करनी है। ये जो ग्रेप्स वाला डिज़ाइन होता है उसमें भी होती हैं। अगर एलिमेंट बहुत बड़ा होता है तो हम इसको एलिमेंट में भी भर सकते हैं। तरीका थोड़ा डिफरेंट है लेकिन भरते टिक्स ही है। तो उसी का ये एक डिज़ाइन है। आपको इसे करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टिक्स है और टिक्स बनाने में टाइम लगता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और अगर आप इसको वीएल में डालते हैं तो उसमें तो थोड़ा और भी टाइम लेगा। लेकिन आपको इसको करने के लिए वीएल में सबसे पहले जाली डालनी पड़ेगी। अगेन मैं बोल रही हूँ, जाली डालनी पड़ेगी। पहले ऊपर की लाइन नीचे की लाइन दोनों को कंप्लीट करिएगा और उसके बाद आप इसको स्टार्ट करिएगा। बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, और मेरी खुद की साउंड के लिए भी सॉरी क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है मेरा। आपको इसी तरह से करते हुए जाना है। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एज अ बिगिनर शायद आपको ना पता चला हो कि इसको कैसे करना है। और आपको ध्यान रखना है, जितना आपका स्टार्टिंग का रहा होगा उतना ही आपको सेकंड वाला भी लेना है, यानी कि सेकंड टिक्स भी उतनी ही लेनी है और गैप नॉर्मल छोड़नी है, क्योंकि आपको उस गैप को फिल करना है। यानी कि एक टिक्स और दूसरी टिक्स के बीच में जितनी गैप है आपको उसको मेंटेन करते हुए चलना, अंदाजे से आपको उसको मेंटेन करना है, क्योंकि आपको उस गैप को फिल करना है, उस गैप को रखना नहीं है, उसको फिल करना है। और यही डिज़ाइन है, ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। बस मेहनत सिर्फ इतनी है कि आपको इसको अच्छे से करना है, स्टिचेस अच्छे से देनी है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है। गैप्स का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको सबसे पहले वीएल की जो जाली है वो करनी है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे करना है। मैंने डायरेक्टली इसमें डिज़ाइन में डाला हुआ है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपको जाली करनी है। और दोनों जालियों के बीच में जो आप टिक्स भर रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड से, आप प्लीज़ उसको विथ छोड़ना। मैं यहाँ पर मैंने जो है वो कम्बाइन लाइन्स के साथ किया है, आपको वैसा नहीं करना है। आपको लाइन्स के बीच में, यानी कि जो साइड साइड से आपकी जो टिक्स है सेंटर में तो ठीक है, साइड साइड से आपको उसमें जो लाइन है उसमें थोड़ी सी विथ छोड़नी है कि ताकि वो अच्छा लगे। यानी कि जो हम दोनों की टिक्स की जो गैप है उसको आपको मेंटेन करते हुए जाना है, लेकिन जो ऊपर और नीचे टिक्स हमारी वीएल से लग रही है वहाँ पे आपको हल्की सी विथ छोड़नी है, यानी कि गैप छोड़नी है, तब भी आपका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसा ही डिज़ाइन है, आप लोगों ने जो मुझे सेंड किया था इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोगों ने सेंड किया था, तो ये वही है। और दूसरा ये कि आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो हमारा ये कॉपर वाला तिल्ला होता है इसमें हम कौन सा कलर यूज़ करें, निडल थ्रेड, तो वही है जो मैंने यूज़ किया है, यही थ्रेड है। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, किस कलर के साथ क्या यूज़ करना चाहिए। तो बिगनर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट के वीडियोस देखा करें। आप वीडियो आधा देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और उसके बाद आप कमेंट लिखते हैं कि ऐसा है तो वैसा है, और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी करते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड प्लीज़, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, जितना भी मुझसे हो पाता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी शायद पूरा ना पता हो, पर जितना भी मुझे पता है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। टिप्स ट्रिक्स जो भी हैं बनाने का शॉर्टकट तरीका बिगनर्स के लिए, इजी इजी तरीके, मैं जो कुछ भी मेरे पास है मैंने सब शेयर किया है और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, उसको प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारी जाली जो है वो एकदम सही नहीं हो रही है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एज अ बिगनर आपकी जाली काफ़ी टाइम तक सही नहीं होगी, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जाली जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो यही कॉपर का तिल्ला है और ये इसका
जो थ्रेड है मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, हर जगह पे अवेलेबल है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं ये हर जगह पे मिलता है। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, अच्छे से डिज़ाइन बनाइए, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट लिखिए। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।